आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आज की औरत कमजोर नहीं है। आरिफ उस लड़की को पटा कर दिखाए और उसे मॉडर्न बनाए। बोल, शर्त मंजूर है? तू चैलेंज पूरा नहीं कर सकता तो बोल दे, मैं चैलेंज पूरा करके दिखा दूँ। शर्त यार, मुझे डर लगता है आरिफ कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो और अचानक मेरी आँख खुले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन एंड सेकेंडली वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स नॉट पार्टनर्स। बकवास बंद कर अपने। जाकर भी अपनी जिंदगी का कड़वा सच आपको नहीं बता सकते। मॉडर्न लड़की पटाना कोई मुश्किल काम नहीं, मजा तो तब आएगा कि तू इस लड़की को पटाकर दिखाएगा। देखो यार, तुम हारिब को बहुत मुश्किल टास्क दे रहे हो। देख यार, तू हारिब को हल्के में मत ले। चलो भाई, ये डन हो गया। हारिब उस लड़की को पटाकर दिखाए और उसे मॉडर्न बनाए, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। बोल, शर्त मंजूर है? मंजूर है। और हाँ, अपनी शर्त याद रखना। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी। आप मुसलसल मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे बेवकूफ़ मत समझिएगा, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आपको। यानी आप भी मेरा पीछा कर रही हैं? क्या? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 2 साल पहले मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था, तो आपकी उससे शक्ल बहुत मिल रही थी, मुझे लगा कि शायद आप वो हैं, बस इसीलिए। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, और प्लीज़ आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आज की औरत कमज़ोर नहीं है। जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस मुझे तो आप मेरी वो लगी थी, मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। सॉरी यार, गलत जगह पंगा ले लिया। शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। यही तो चैलेंज है मेरे भाई, ऐसी लड़की को तो मॉडर्न बनाना है। उसको पता भी चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। व्हाट रियली? नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। जी, और उसने मुझे रोका और पूछा कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। ना कर, फिर थप्पड़ तो नहीं पड़ा? मैंने भी उसे झूठ बोल के कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरा 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, और मुझे लगा कि आप वो हैं। लेकिन यार, मेरे ख्याल से मुझे उसको तंग नहीं करना चाहिए। लेट्स एंड ऑफ दिस गेम। नो वे माय फ्रेंड, असल खेल तो अब शुरू हो गया। देख, अगर तू चैलेंज पूरा नहीं कर सकता तो बोल दे, मैं चैलेंज पूरा करके दिखा दूँ। शर्त यार, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये क्या करते हैं? ओए होए, देखो तो फिर इसके अंदर का जेंटलमैन जाग रहा है। होता है, लेकिन ये अलग बात है कि उस लड़की में कुछ बात है। देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी तुम्हें। अरे मेरा भी दिल चाहता है मोहब्बत करने को और मोहब्बत पाने को, मुझे डर लगता है आरिफ कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो और अचानक मेरी आँख खुले तो। अरे हकीकत कुछ और हो। क्यों? You don't trust me? नहीं, ये बात नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे घर पे। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस मेरा इरादा है, और जो मैं कहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। अच्छा चलें, अब सो जाते हैं, सुबह यूनिवर्सिटी के लिए भी उठना है। इतनी जल्दी? मिसेस आरिफ, आपको तो देर से सोने की आदत है ना? हाँ है, वो बस अब हल्की हल्की नींद आ रही है मुझे। अरे वाह, इसका मतलब मैं तुम्हारे इंसोम्निया का इलाज हूँ? हो सकता है, शायद। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट हारिफ। हेलो हेलो आरिफ, कहाँ हो? घर। और कहाँ होना इस वक्त? क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी। तुम नहीं सो रहे? हाँ, और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ अभी इसी वक्त। क्या मतलब? एक्चुअली मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, वहाँ पे सब अपने पार्टनर्स के साथ होंगे, एक मैं ही होंगी जो अकेली होंगी, तो मैंने सोचा मैं भी अपने पार्टनर को बुला लूँ। First of all, Amber, I'm not a party person. And secondly, we are just good friends, not partners. तुम वहीं पे किसी को ढूंढ के अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेती? वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। Good night. तू पहले बताया था कि तुझसे नहीं होगा। चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर लेता। कौन सा चैलेंज? लगता है बीमारी की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ईमान को पटाने का चैलेंज था, भूल गए क्या? शट अप शानी, अब दोबारा ये बकवास मत करना। इतना गुस्सा? मैं नहीं कहता था। आरिफ को ईमान से सच में प्यार हो। प्लीज चेंज द टॉपिक। आराम से, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हम दोस्त हैं तुम्हारे, खुद तुम अकेले अकेले इंजॉय करो और हमारा कोई फ़ायदा ना हो, ये क्या बात है? वैसे कुछ तो बताओ, कितना एक्सप्लोर किया उसे? बकवास बंद कर अपने। मैंने कभी नहीं देखा। क्या करने का बात है? क्या करना है? हट पीछे। क्या कर रहे हो यार? शानी बस कर दे। क्या कर रहा तू? अरे तू जा। ऐसे ईमान किसी मॉडल से कम नहीं हो। अच्छा चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना खाने चलते हैं। वैसे ईमान तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें ईमान? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर्स ने भी चेक करके बताया कि एवरीथिंग इज फाइन। आरिफ आई एम सॉरी, मुझे अपना वजूद तुम पर बोझ लग रहा है। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो ईमान? तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है और अब तुम मेरी जिम्मेदारी भी हो। आरिफ, मैं झाँक कर भी अपनी जिंदगी का कड़वा सच आपको नहीं बता सकती। शायद मेरी जिंदगी को आपके साथ की जरूरत है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा।